କୋଉ ନେଟୱର୍କ ଧରିବ ଭାଇ ସାର କୋଉଟା ବି ଆସୁନି କାବାର ତ ନାହିଁ ନେଟୱର୍କ କୋଡ ଆସୁ आप सभी तो जानते हो पूरे भारत में अब दमन मूवी का ही चर्चा हो रहा है। अब ये दमन मूवी से प्रेरित होकर ओडिशा का हाईटेक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर अब एक कटक एरिया लोगों को मदद करने के लिए डिसीजन लिया है। दमन मूवी की तरह ओडिशा में जितना भी कटक एरिया है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है वहां मेडिकल कैंपिंग करेंगे और वहां के लोगों को मदद करेंगे। बहुत जल्द ही ये मेडिकल कैंपिंग शुरू किया जाएगा। इस मेडिकल कैंपिंग में ओडिशा सरकार नवीन पटनायक जी का भी सहयोग रहेगा। यदि आगे भी ऐसा होता रहा तो डेफिनेटली ओडिशा राज्य में जितना भी एरिया है जहाँ पर आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है वहाँ के लोगों का बहुत कुछ मदद हो पाएगा। सिर्फ ओडिशा राज्य में नहीं, भारत देश में और भी जितना स्टेट्स है जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, अगर वहाँ पे भारत सरकार मोदी जी ऐसे मेडिकल कैंपिंग करवाएंगे तो बहुत लोगों का मदद हो पाएगा। भारत देश में जितना भी स्टेट है हर स्टेट का डेवलपमेंट होगा और ऐसे मेडिकल कैंपिंग करने से बहुत लोगों को मदद मिलेगी और लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कोटो फेरिया में जितने भी आदिवासियों है, जितने भी लोगों अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, उनका अंधविश्वास दूर कर पाएंगे इस मेडिकल कैंपिंग जरिए। अगर ऐसा होता रहा तो लोग बदलेंगे, स्टेट बदलेगी और हमारा भारत देश और भी आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत।